बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। मैंने कमीज की कटाई कर ली है, अब मैं गले के ऊपर डिजाइनिंग करके दिखाऊंगी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो है 6 इंच है। अब मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। गले की गहराई रखूंगी 5.5 इंच। अब यहां पे भी 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहां पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहां पे मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई करूंगी। अब मैं यहां पे 2-2 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। पहले ये वाला गला कमीज के ऊपर अटैच करूंगी, उसके बाद ये वाला गला जो है इसके दरमियान में लगाऊंगी। इस कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट करूंगी। यहां पे इसे मैं पेस्ट करूंगी। बुकरम पेस्ट मैंने कर ली है। अब मैं ये वाला कपड़ा जो दरमियान में है, 1-1 इंच कपड़ा यहां से छोड़ते हुए इसको निकाल दूंगी। अब यहां पे इस तरह से कट लगा लूंगी बुकरम तक। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए यहां पे सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है गले के कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए। अब मैं इसके गले की मैंने कटाई कर ली है, जो अजाफी पीस था दरमियान में वो मैंने उतार दी है। अब मैं यहां पे ये मैं कोटा इसके ऊपर यहां पे अटैच करूंगी। ये सारे गले पे अटैच कर लूंगी।
यहाँ से दरमियान से शुरू करूँगी, आधे आधे इंच पे ये गोटा पट्टी जो है ये अटैच करूँगी। गोटा मैंने लगा दी है, अब मैं रेप वाली पट्टी गले के ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से रखते हुए अब इसे फ्रंट साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूंगी। गले की डिजाइनिंग मुकम्मल हो गई है, बहुत ही आसान तरीके से ये गला बन जाता है। गोटा अगर आपके पास नहीं है तो आप डोरी बनाकर भी लगा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ट्राई जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर खुशियां अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।